हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल उपासनाज वर्ल्ड में। तो जैसा कि गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणपति पापा को खुश करना भी तो ज़रूरी है ना, उनके फेवरेट मोदक बनाकर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मोदक, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें मैंने एक गिलास पानी डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैं पानी में थोड़ा सा एक चम्मच घी डालूंगी और अब यहाँ पे मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम ट्रेडिशनल स्टाइल में मोदक बनाने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल स्टाइल तो आपका चावल के आटे से ही मोदक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप चावल का आटा लिया है और अब मैंने इसे इस पानी में मिक्स कर दिया है। तो हमें यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं लेना। एक गिलास मैंने पानी लिया था और एक कप यहाँ पे मैंने आटा लिया है। अब मैं यहाँ पे इस आटे को मिक्स करूँगी। तो चावल का आटा यहाँ पानी में मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको ढक्कन लगाकर मैं आटे को छोड़ दूँगी और तब तक हम इसकी, जब तक ये ठंडा होता है, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। जो हमें मोदक के अंदर फिलिंग भरनी है उसको मैं तैयार करूँगी। तो मैंने आटा वो साइड में रख दिया। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से एक पैन लिया है, उसमें दो चम्मच मैंने यहाँ पर घी के लिए हैं। तो अगर हम मोदक ट्रेडिशनली बनाते हैं तो हमें तो उसके लिए नारियल की गिरी वाला नारियल लेना होगा, बट मुझे वो मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया। तो अब मैं यहाँ पे इसे रोस्ट करूँगी। जलाना नहीं है हमें इसे, हल्की आंच पे हमने चलाते रहना है। जब ये यहाँ हमें लगे कि ड्राई रोस्ट हो चुका है तो हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं। अब मैं इनको भी इसके साथ चला लूँगी। तो यहाँ पे अब ऊपर से मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। गुड़ की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि आप जो लेयर कर रहे हैं उस लेयर में मीठा नहीं है, तो अंदर इसके मीठापन फील होना चाहिए। तो उसके लिए गुड़ थोड़ा अकॉर्डिंगली आप डालें जिस हिसाब से आपको मीठा खाना पसंद हो। तो यहाँ पर हमारी मोदक की फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इस फिलिंग को रखूँगी साइड में और जो चावल का आटा मैंने रखा था अब मैं उसको निकालूँगी। उसके बाद हमें उस आटे को गूंथना होगा। तो ये था चावल का आटा जो मैंने ढक के रखा था। ये रहा मेरा आटा। इसको मैं उठा के ऐसे ही परात में डाल दूंगी और उसके बाद हम इसे, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, ऐसे हमें इसे अपने हाथों से गूंथना है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा ठंडा ना हो, हमें हल्के गर्म ही में ही आटे को हमें इसे गूंथना होगा। तो गूंथने से पहले यहाँ पे मैंने एक चम्मच ऊपर से घी डाल लिया था और अब मैं यहाँ पर इसको गूंथूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं आपको बाइंडिंग, आटे की बाइंडिंग दिखा रही थी, कितने अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। हमें यही देखना है बस कि आटा अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है। अब चलते हैं बाहर मोदक बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी है। ये मोदक का एक मोल्ड है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इस मोल्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो चावल का आटा तैयार किया था उसको डालूँगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, हमें जब हम इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, फिलिंग करें आटे की तो हमें उसकी लेयर को, आटे की लेयर को पतला पतला करना है। ज़्यादा अगर थिक लेयर हुई तो उसका टेस्ट आपको सिर्फ चावल के आटे का ही टेस्ट आएगा, आपको फिलिंग का टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैं यहाँ इसे, इसके चावल के आटे को जब मैं अंदर डाल रही थी तो इसको आराम से पतली लेयर करके डाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर फिलिंग डाल दी। अब थोड़ा सा आटा और लूँगी और इस फिलिंग को नीचे से कवर कर दूँगी। उसके बाद अब मैं इस मोल्ड को ओपन करूंगी आराम से। तो यहाँ पे आप चिंता ना करें, अगर ये थोड़ा सा टूट भी रहा है तो हम इसे हाथों से जॉइन करके सेट कर सकते हैं।
और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि स्टार्टिंग में आप मोदक बनाते टाइम जो आपका मोदक का मोल्ड होगा उसमें थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब मैंने सेकंड मोदक बनाया तो उसमें मैंने दिखा दिया आपको, ये ऐसे हमें इसे घी से हल्का हल्का सा ग्रीस कर लेना है। तो अब ये मैं सेकंड मोदक बना रही हूँ, सेम ऐसी प्रोसेसिंग है इसकी भी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मोदक बनके तैयार है। वाव, ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा मोदक बनके हमारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही करके मैं और मोदक तैयार कर लूँगी, फिर आपको मैं फाइनल दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे मोदक तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब हम इन्हें करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, ऊपर से मैंने छन्नी रख दी है, छन्नी के ऊपर मैंने घी स्प्रेड कर दिया है ताकि हमारे मोदक जब स्टीम हो तो वो छन्नी में चिपके नहीं। और मैं एक एक करके इसमें सारे मोदक डाल दिए। अब इनको मैं स्टीम करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मोदक स्टीम हो गए हैं। चलिए फाइनल लुक मोदक का देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैंने यहाँ इनको सजाने के लिए थोड़ा सा इसमें पिस्ता के दाने लगाए थे और ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर डाल के इन्हें रंगीन कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक मोदक कट करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने कट किया, थोड़ा सा ये मुझसे गलती से टूट गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है फिलिंग, और खाने में भी ये उतना ही यम्मी था। तो ये थी मेरी आज की मोदक की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है, आपके कमेंट्स के ज़रिए। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।